हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 23, 24, 25 और 30, 31 को पेपर होनी है अगस्त में, तो उसके आधार पर ये प्रश्न जो है बनाया गया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश जीके संबंधित से। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? गोरखपुर जो है किस जनपद, किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन ए राप्ती नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी। दूसरा दिया है इसमें, व्याख्या किया गया है, घाघरा 1080 किलोमीटर लंबी नदी है। 1080 किलोमीटर लंबी नदी जो है घाघरा है, जो तिब्बत में मैपचांचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी कहा जाता है। गंडक नदी का महाकाव्यों में सदानीरा भी कहा गया है। यूपी की वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही। गीता प्रेस कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ जौनपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी जो है नहीं है, कल्याणी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। लंबाई यमुना की देख लेते हैं, 1376 किलोमीटर लंबी नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अन्य नाम इसका मिलता है कालिंदी या खुला नाला भी कहा जाता है। उद्गम स्थान जो है यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुछ चोटी से निकलती है। यमुना की सहायक नदियाँ है चंबल, बेटवा, केन, सोन, टोंस, हिंडन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? गंगा के किनारे दाहिने किनारे पर वाराणसी स्थित है। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। गंगा नदी की यूपी में कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। यूपी में गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है तथा बलिया से होकर बिहार में जाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रतौल आम का उत्पादन किया जाता है? तो यह है बागपत व मेरठ के क्षेत्रों में। दशहरी आम के लिए लखनऊ का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। चौसा आम के लिए सहारनपुर। अमरूद उत्पादन के लिए प्रयागराज। आंवला उत्पादन के लिए प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? माचिस उद्योग के लिए बरेली जनपद जो है प्रसिद्ध है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है मोदी नगर में है। बिस्किट निर्माण उद्योग मोदी नगर। कैंची उद्योग, खेल का सामान क्रांति नगर मेरठ में। चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। जेके मंदिर जो है कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। दिया सलाई उद्योग जो है बांस उद्योग बरेली में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के शहरों में नदियों किनारे किस विकल्प के साथ स्थित है? यमुना नदी जो है जौनपुर लखनऊ, तो ऑप्शन ये गलत है। गोमती किनारे जो है जौनपुर और लखनऊ स्थित है। राप्ती नदी गोरखपुर, गोमती नदी आगरा, सरयू नदी अयोध्या। तो ऑप्शन जो है सभी सही है, पहला ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर जो है गोमती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्कस कहाँ स्थित है? वाराणसी में। रेलवे का संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। भारत में रेलवे के 18वां जोन, जिनमें से उत्तर प्रदेश के अंदर दो जोन है, एक उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय प्रयागराज, दूसरा है पूर्व उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तुलसी मानस मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है?
वाराणसी जिला में, हनुमानगढ़ी अयोध्या में है, श्री राम मंदिर अयोध्या में। उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को। सीता की रसोई अयोध्या में, तुलसीदास मंदिर वाराणसी में, भारत माता मंदिर वाराणसी में, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, माँ अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी में, 84 घाट वाराणसी में, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा, इस्कान मंदिर मथुरा, प्रेम मंदिर मथुरा, माँ के बिहारी मंदिर मथुरा, सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रयागराज में, देवी माधव मंदिर प्रयागराज में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी जनपद में है, तो ऑप्शन प्रयागराज की जगह वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सबसे पुराना शहर जो है वाराणसी शहर को माना जाता है। वरुणा व 80 नदियों के बीच वाराणसी जनपद है। आगरा का पेठा नगरी, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। सारनाथ में ही धमकी स्तूप भी स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयोध्या से जाना जाता है? अयोध्या, अयोध्या को, अयोध्या का पुराना नाम अयोध्या है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता है। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। अयोध्या का पुराना नाम साकेत, कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज, कन्नौज इत्र नगरी भी कहा जाता है। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर, कानपुर का पुराना नाम कान्हापुर, दलहन अनुसंधान कानपुर में, चीनी अनुसंधान कानपुर में, गंगा अनुसंधान लखनऊ में है। महाजनपद, 16 महाजनपदों की अवधि के दौरान सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। मथुरा को पूर्व में मथुरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी का अन्य नाम सूरसेन नगरी व पेड़ा नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में, खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को के रूप में भी जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यूपी में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कुशीनगर, महर्षि वाल्मीकि, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न यह है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? मेरठ में है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व प्राचीन संग्रहालय राजकीय संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर व गोरखपुर, रानी महल संग्रहालय झांसी, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में स्थित है? शाही पुल, छत्तर महल लखनऊ में, रोमी दरवाज़ा लखनऊ, शाही पुल जो है जौनपुर में,
सिकंदर बाग लखनऊ, जामा मस्जिद लखनऊ, भूल भुलैया इमामबाड़ा लखनऊ, केसर बाग पैलेस लखनऊ। इमामबाड़े का निर्माण आसफ़ू दौला के द्वारा कराया गया था। सादत अली मकबरा लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? किस जनपद को? तो यह है चंदौली जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में धान का कटोरा पश्चिम बंगाल को। धान उत्पादन में द्वितीय राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है? जौनपुर में। अताला मस्जिद जौनपुर, लाल दरवाज़ा जौनपुर। जौनपुर को ही सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खान की याद में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कालिंजर मेला जो है सोनभद्र जो है ये गलत है। मक्कनपुर का मेला फरुखाबाद में, नौचंदी मेला मेरठ में, बटेश्वर मेला आगरा में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ढेढिया दोआब। ढेढिया जो है फतेहपुर में है। ढेरिया ख्याल पाईडंडा बुंदेलखंड में। नटवारी धोबिया छोलिया पूर्वांचल। कालाबाजी अवध झूला चरकुला ब्रज। ढेढिया फतेहपुर में ये जो है नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? 1976 में की गई है। स्थापना कब हुआ है? 30 दिसंबर 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। हिंदी गौरव सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुदाऊं सिंह संगीतज्ञ, तो ऑप्शन जो है सितारवादक के जगह जो है संगीतज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी? 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी जो है लखनऊ में है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है? लखनऊ में। इसकी स्थापना जो है 1926 में विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा की गई थी। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में दिया गया। निम्नलिखित में से किस चित्रकारी ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया? ऑप्शन बी शिवनंदन नौटियाल। भारत माता मंदिर की चित्रकला अरविंद नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। राज्य में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किस संस्थान प्रयागराज में स्थित है? पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली। राजीव गांधी विमान विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल सहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राजकीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कृषि विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। साग भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है।
उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तीर्थों का राजा जो है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, इसे ही संगम नगरी कहा जाता है। स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। स्वामी हरिदास का जन्म 1535 में अलीगढ़ में हुआ था तथा इनका जीवन वृंदावन में बीता। हरिदास जयंती भी वृंदावन में ही मनाई जाती है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। स्वामी हरिदास ने ही ध्रुपद धमाल शैली का विकास किया। स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन बैजू बावरा हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। आलू उत्पादन में प्रथम, गेहूं प्रथम, अनाज खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम, चावल दूसरा स्थान में, पहले स्थान में पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल जो है गेहूं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। पूर्वी यमुना नहर की सर्वप्रथम खुदाई शाहजहां ने 1631 में की। यमुना नहर का उत्तर प्रदेश में प्रवेश सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से होता है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार से होता है। उत्तर प्रदेश में निचली गंगा का उद्गम नौरवरा से होता है। 1930 में नलकूप से सिंचाई का सबसे पहला प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो यह है मेरठ में, सबसे पहले मेरठ में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप 75%, नहरों के द्वारा 15%। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने, बाबर के सेनापति भीम बेग के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण। इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पाल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। काकोरी केस के किस कलंधकारी को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड की घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925 को हुई। वर्तमान में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। इसमें 3 लोगों को फांसी। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो यह नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना 1984 में हुई है। यह चंदौली जिले के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार, इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। लख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कन्नौज में है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नौटंकी है। उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 आई। तांबा ललितपुर में, चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में, हीरा मिर्जापुर और बांदा में, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्जापुर और सोनभद्र, यूरेनियम ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? चुर्क व धल्ला में। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में। एल्युमिनियम कारखाना सोनभद्र के रेणुकूट में है। डीजल लोकोमोटिव जो है वाराणसी में है। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सहारनपुर में कागज बनाने का।
तो ये है उत्तर प्रदेश जी के समाप्त हो गए हैं।